आरोप तो बसपा सुप्रीमो में ये भी लग रहे थे कि वो एक्टिव नहीं है राजनीति में। नहीं, ये भी कह रहे एक्टिव नहीं है वो, ये भी कह रहे खत्म हो रहे हैं और सबको डर भी नहीं से सही है। जितनी पार्टियां सब बहन जी से डरती हैं, फिर कैसे खत्म हो रही है बताइए। इलेक्शन पर जैसे केजरीवाल हैं, जो धनंजय आदमी हैं, जिनके वोट बैंक बना हुआ, उन्हें आप जो बंद कर रहे हैं, अरे मायावती के बाद मायावती यदि ज्यादा बोलेंगे तो उनको बंद कर दिया जाएगा, संपत्ति को कर जाएगी। कह रहे हैं कि मायावती एक्टिव नहीं है। एक्टिव है कैसे नहीं, अब से दिखाई नहीं देती दिखाई, जो अभी वो पढ़ी लिखी है ताकन्ना है, वो जो ऐसे हल्ला काटेंगे वो पढ़ी लिखी है वो। आज के युवाओं की मैं बात करूँ तो आप लोग युवाओं को कहाँ देखते? युवा कहाँ रोड पर डोलने, रोजगार ही ना सरकार में, सरकार तो बोल रही है दिनों दिन सरकार, समाज हमारा बिल्कुल रोड पर ला दिया, मगर समझ में ना आ रही हमारे समाज के भी, किसी को एक फौवा दे दो तो वोट वापस गिर देंगे फूल पे, और हम चाहे नार कट जाए हम हाथी पे गिरेंगे। वो तो मंच पे कह रहे हैं कि हमने इतना राशन दिया है लोगों को, खाना दिया है हमने, किसी सरकार ने खाना दिया है, कितना खाना देते हैं, पाँच किलो पेट भर जाता है आदमी का, वो तो मान रहे इस चीज को, वो मंच से हमारे सामने बैठ के वो भी खा के दिखाएं 5 किलो एक महीने में। हेलो एंड जय भीम, मेरा नाम है बबीता गौतम और इस वक्त हम हैं बुलंदशहर के कुदेना गाँव में। चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है द न्यूज़ वीक और द वॉइस मीडिया की, हम कुदेना में हैं और यहीं के लोगों से जानते हैं कि क्या है चुनावी समीकरण इस बार जनता की तरफ से। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं द ग्रेट जाटव, एक बोर्ड और आपने देखा होगा और एक बोर्ड ये है, इस बोर्ड के पीछे की राजनीति भी हम जानेंगे यहीं के लोगों से कि ये बोर्ड क्यों लगा, क्या इस बोर्ड के पीछे की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से ही। आप अपना नाम बताइए। अनिल कुमार जी। अनिल जी, इस बोर्ड के पीछे की पहले तो कहानी बताइए। इस बोर्ड की पहचान ये है, यहाँ से और आखिर तक जाटव है, पूरे गाँव में जाटव है, जाटव है। इस बोर्ड के लिए किसी को आपत्ति नहीं हुई? नहीं, कोई आपत्ति नहीं करी किसी ने भी, ये जाटवों का ही गांव है इसीलिए ऐसी किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई कि क्यों लगाया क्यों नहीं उठाया, कोई किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, कोई वो नहीं है। और यहाँ पे कितने प्रतिशत जाटव लोग हैं? ज्यादा जाटव कितने प्रतिशत होंगे यहाँ पे? मानो 80% जाटव। तो वोट के समीकरण को देखा जाए तो किस तरह से लगता है? वोट तो हमारे पूरी जाती है सभी, 80% ही, 80% बीएसपी को जाती है। हाँ, बीएसपी को, हमें तो हाथी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। हाथी के अलावा कोई नहीं दिखाई देता। बहन जी का बहुत बढ़िया शासन रहा, सबको ना निडर, सब किसी की कोई परेशानी नहीं और सबसे बढ़िया शासन चला बहन जी का। अच्छा, आप बहन जी के शासन की बात कर रहे हैं, ऐसी क्या खासियत थी जो आप कह रहे कि बहन जी के शासन बेहद खास था? बहुत, सबसे पहली बात तो शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान दिया बहन जी ने, शिक्षा पर। हाँ, तो योगी सरकार शिक्षा पर और जो अखिलेश यादव की सरकार जब आई थी उन्होंने शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया? नहीं दिया, उन्होंने तो कम कर दी और कम कर। हाँ, अखिलेश ने पदोन्नति में हमारे समाज का डाउन कर दिया मामला, किस तरह से? जो पदोन्नति थी वो उसको डाउन कर दिया। अच्छा, हाँ। तो रोजगार में आप कहाँ देखते हैं आज का युवा? अगर मैं बात करूँ, सर आप आ जाइए, आज के युवाओं की मैं बात करूँ तो आप लोग युवाओं को कहाँ देखते हैं? युवा कहाँ रोड पर डोलने, रोजगार ही ना सरकार में, सरकार तो बोल रही है दिनों दिन सरकार, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगार होने की वजह से, काम नहीं धंधे नहीं, बताओ मजदूरी भी नहीं मिल रही, क्या करें। लेकिन जब योगी सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, तो क्या लगता है कि वो एक जुमला था कि या रोजगार दिया? जुमला ही था, समाज के सामने सब जनता के सामने, क्या किसको दिया बताओ? पेपर और लीक हो जाते हैं, भर्ती खोल दी लीक कर दिए पेपर सबके सामने, कोई छुपा हुआ थोड़े किसी से, युवा सब सही कह रहे हैं बाहर बाबा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल, समाज हमारा बिल्कुल रोड पर ला दिया, मगर समझ में ना आ रही हमारे समाज के अभी, नहीं समझ में आ रही अभी, मतलब ना किस रही तरीके से? बहकावे में आमे जाते, बहक जाता है। हाँ, दलित समाज जो है बहक है, किसी को एक पौवा दे दो तो वोट वापस गिर देंगे फूल पे, और हम चाहे नार कट जाए हम हाथी पे गिरेंगे। आप मानते हैं कि समाज बहक जाता है? बहक जाता, हर जगह ही हो रही है, अन्य काय को पार्टी इतनी खड्डे में जाती। आरोप तो बसपा सुप्रीमो में ये भी लग रहे थे कि वो एक्टिव नहीं है राजनीति में, इसी वजह से वो अभी तक सत्ता में दोबारा नहीं आई, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये भी कह रहे एक्टिव नहीं है वो, ये भी कह रहे खत्म हो रहे हैं और सबको डर भी नहीं से सही है, जितनी पार्टियां सब बहन जी से डरती हैं, फिर कैसे खत्म हो रही है बताइए।
कैसे नहीं घूम रही सब? आरोप लग रहे हैं ना? हाँ तो आरोप तो दुनिया लगा रही है भाई, मीडिया इनका है, सब कुछ इनका है, तो आरोप लगाएंगे। तो बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, बहुजन समाज पार्टी है। बी टीम कैसे हो जाएंगी वो सत्ता? उन्होंने यूपी में सत्ता चलाई, देखा ना क्या क्या कह रहा, उनके विरोध में काम कर रहा था, बी टीम कैसे हो जाएगी? आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? देखो हमारा ये मतलब है, जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन पर जैसे केजरीवाल हैं, जो धनंटे आदमी हैं, जिनके वोट बैंक बना हुआ, उन्हें आप जो बंद कर रहे हैं। अरे मायावती के बाद, मायावती यदि ज़्यादा बोलेंगे तो उनको बंद कर दिया जाएगा, संपत्ति कुर कर जाएगी। या और दूसरे पे बुलडोजर नहीं चल रहे हैं जो संपत्ति पर, जो क्योंकि उन पर कमी है, क्या कर रहा है मायावती जी? इसी वजह से डरी हुई, इसी वजह से नहीं डरने का क्या मतलब है, यही बात और क्या है? तो या देखो चैनल, आप कोई सब चैनल खोल दो, मोदी और योगी चैनल, अगर कोई भी बोल रहा हो तो हम बता दिए, आप जो बताओ आप जो किस तरीके से, किस तरीके यही है, यदि कोई ज्यादा बोलेगा तो उनको जेल के अंदर कर दिया जाए। आपके सामने उदाहरण भी है, जो जो केजरीवाल है सिसोदिया है, और तुम्हारे के कविता है, जो ये सब बंद है, या इनको जो यूपी के अंदर जो ये तो चलो मारपीट तो चलो, ये ज़्यादा कुख्यात जो मोमडन से जो इनको बंद कर दिया, मार दिए, चलो इनके लिए वो है, मगर कोई आदमी जो ये एनकाउंटर करे जा रहे हैं या कुछ भी करा जा रहा है, इनको देख के या इनको जो कुछ जो जेल के अंदर रख के इनको सीधी बातचीत करिए जब हो, मगर नहीं ले जाते हैं। अरे एनकाउंटर, आपको लगता है अगर मायावती बोलती हैं सरकार के तो उनको जेल में बंद कर दिया, बंद कर दिया जाएगा ना? या दूसरी पार्टी जो इलेक्शन नहीं कर रही है, इलेक्शन में देखो आज भी तुम्हारे राजनाथ सिंह सहारनपुर में, बुलंदशहर में, संभल में हैं, या इनके खड़े हुए हैं, कोई भी बोल रहा हो तो बता दो हमें जो, और जो पार्टी है कोई बोल रहा हो तो बता दो हमें जो, किस तरीके से बोल रहे, किसी भी तरीके से? हाँ किस तरह, कोई बोलने को तैयार नहीं है, मीडिया सब इनकी है, जो मीडिया है सब मोदी खरीद हुई है, सब खरीद, सब खरीद, हाँ सब टोटली, नहीं सुन लो, जाओ जाओगे हर बात मोदी की, मोदी की, लेकिन किसी बहन जी की ना किसी सपा के किसी की, सब मोदी की बड़ाई करते हैं, ये मीडिया झुकी हुई है, हाँ सब हम जानते हैं बिल्कुल। इसके अलावा हम तो बीएसपी के साथ हैं, जो भी है चाहे हार या जीते, बीएसपी के साथ पक्के रहेंगे, चाहे माया जामे, कह रहे कि मायावती एक्टिव नहीं है, एक्टिव है कैसे नहीं, अक्सर दिखाई जो अभी वो पढ़ी लिखी है, पकड़ना है वो जो ऐसे हालिया काटेंगे, वो पढ़ी लिखी है, वो एडवोकेट हैं बहन जी, दिखाई नहीं देती, दिखाई क्यों? आगे खत्म नहीं हो रही, बिल्कुल खत्म नहीं होगी, चलेगी मेरा राजनीति, हम साथ चलेगी राजनीति, और सीट आएंगी बहन जी की, आएंगी, हाँ आपके मेरे हिसाब से 20 सीट तो कम ले मरेगी, 20 सीट, हाँ बहन जी होना है ये अलग, हाँ होना है, होना है, हम कह रहे हैं मतलब एक जाति बिरादरी कोई सरकार बनती नहीं है, जैसे बहन जी जो 4 साल मुख्यमंत्री हैं, 4 बार रही मुख्यमंत्री, और 4 मुख्यमंत्री के कारण के जब सबरी बिरादरी थी एक साथ, उनके जाट भी, ठाकुर भी, गुजार भी, ब्राह्मण सब थे, अब वो कट गए क्योंकि अब अखिलेश जो मोमडंस के वो बना दिए, मायावती चमार नू उनको वोट मत दो, तो ये तो आरोप लगता है, ये आरोप मायावती चमारों की पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी, ये तो आरोप उन पर लगता है, और अखिलेश जो मोमडंस बना दिए, अखिलेश जो मुसलमान हो, आप क्या कहना? नहीं हमारे पे क्या कहें, हमको वोट बैंक थोड़ा ही, हम तो जहाँ वोट देंगे वहाँ वोट देंगे, अपना हमारी वोट स्वतंत्र है, जहाँ भी देंगे हम तो ये आरोप पे क्या कहना चाहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है, सर आप आइए, बहुजन समाज पार्टी के लिए आरोप लगता है कि वो सिर्फ चमारों की ही पार्टी है, इधर आ जाइए, इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? ये तो गलत कहते हैं, चमारों की पार्टी कैसे, बहन जी ने चमारों के लिए काम करा था 4 बार के मुख्यमंत्री काल में, सबके लिए काम करा, शिक्षा को एक अकेले जाटवों के लिए दी है, सारे सबको शिक्षा दी है, बहन जी के टाइम जो 0 बैलेंस पे एडमिशन होते थे, हाँ वो आज 2-2 लाख में हो रहे हैं, गरीब आदमी को कैसे पढ़ा लेंगे बताओ? हमें तो सबसे बढ़िया जो बहन जी लगती है वो शिक्षा पे ज़्यादा गौर दे, रिकॉर्ड है उनका आज, फ्री राशन जो दे रही है वो अच्छी नहीं जी, राशन क्या, राशन के बदले 50 गुना और उल्टा ले रहे हैं हमसे, 50 गुना उल्टा ले रहे हैं, 5 रुपये राशन में 50 गुना, सिलेंडर कितना का था जब 350 रुपये का, 450 रुपये, अब तो 100 रुपये ही तो कम करें हैं, फिर ये दुगने हो जाएंगे, 800 के 1600 हो जाएंगे अब इलेक्शन के बाद, अगर सरकार योगी सरकार मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है, 5 किलो राशन, चालान भी तो बताओ, चालान कितने कर चुके जो अभी 1015-2000 से कम का चालान ना,
कि ये मोटरसाइकिल कारों को जो चालान कट रहे क्यों कट रहे हैं? राशन तो दे रहे हैं, तो राशन दे रहे हो, राशन जितना हमारा जा रहा हो हमारे पैसों को जा रहा है, राशन जो मिल रहा है हमें अपने पैसों को मिल रहा है राशन, गवर्नमेंट ना दे रहे इतना राशन जो सिलेंडर खरीदने में पलटी हो गई, राशन फ्री कर दिया सिलेंडर महंगा कर दिया। आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ बिल्कुल मानते हैं, लेकिन वो तो मंच पे कह रहे हैं कि हमने इतना राशन दिया है, लोगों को खाना दिया है हमने, किसी सरकार ने क्या खाना दिया है, कितना खाना देते हैं, राशन दे रहे हैं वो? है? 5 किलो पेट भर जाता है आदमी का, वो तो मान रहे हैं इस चीज़ है? को, वो मंच से हमारे सामने बैठ गए, वो भी खा के दिखाएं 5 किलो एक महीने में, 5 किलो खा के दिखाए ना एक महीने का राशन, लेकिन लोग तो खुश है उस 5 किलो के। वो तो 4700 रुपए का एक टाइम का खाना खाते हैं, यहाँ एक वक्त का भी खाना नहीं है 4700 रुपए में। और रोजगार पर? रोजगार भी ठप कर रखा है। किस तरीके से? हर तरीके से ठप है, किस तरीके से नहीं बताइए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कह रहे थे, कितने इनको दिया है अब तक कितनों को दिया है? इस गाँव में रोजगार नहीं मिला लोगों को? कुछ भी नहीं है, नहीं मिला, नहीं। तो देखा आपने, लोगों का कहना है कि ना तो बीजेपी की सरकार ने किसी तरह का रोजगार दिया, ना किसी तरह की शिक्षा पर ध्यान दिया। 5 किलो राशन वो दे रही हैं, लेकिन उसके बदले वो उन्हीं से वसूल भी कर रही है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे थे द वॉइस मीडिया, द न्यूज़ बी। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बी का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बी फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बी फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।